नमस्ते, राखी किचन में सभी को स्वागतम। वेलकम टू माय चैनल राखी किचन। आज मेरा जो रेसिपी है आलू का, अगर घर में कोई सब्जी नहीं रहेंगे तो इससे बहुत बढ़िया सब्जी बन जाता है। तो हम शुरू करें। पहले मैं आलू को अच्छा से धो के बॉईल कर लिया था, फिर इसको कट कट के रखा है। फिर इसमें मैंने आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा कप मैदा और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर दे के उसको अच्छा से मैरिनेट करके ढक के रखा था 20 मिनट के लिए। फिर मैंने कढ़ाई में रिफाइंड तेल दे के इसको अच्छा से फ्राई कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना होए। तो उसको अच्छा से पलट पलट के फ्राई करना है, तो जैसे पूरा लाल नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये हो गया। फिर मैं इसको एक बर्तन में रख दे रहे, इसी करके जो और आलू था वो सब मैं फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ये फ्राई करते करते आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक और कमेंट करने मत भूलिए। तो आपका लाइक कमेंट से हम लोग को वीडियो देने के लिए अच्छा लगता है। लहसुन प्याज टमाटो हरी मिर्ची को धो के ऐसे काट के रखा है। फिर इसमें चाहिए मूंगफली, गरम मसाला, काजू, किशमिश। फिर इसके बाद कढ़ाई में तेल में काजू, किशमिश और मूंगफली दे के थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर इसके बाद जो प्याज लहसुन अदरक है सब दे देंगे। आप लोग मेरा चैनल फॉलो करके अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसको अच्छा से हम भूनते रहेंगे जब तक ये थोड़ा नरम और ब्राउन जैसा हो जाएगा। फिर इसको ठंडा करके मिक्सी में पीसना है, गरम गरम नहीं पीसना है, मिक्सी ख़राब हो जा सकता है। ये जब तक भूनते रहेंगे तो मैं अब फिर से और एक रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरा चैनल फॉलो कीजिए। अगर फॉलो करके आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर ये मेरा हो गया। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी से पीस के यहाँ पर रख दिया। मेरा फेसबुक राखी नियोगी सरकार और राखी नियोगी है, आप लोग फॉलो कीजिए। ये आलू का सब्जी है ना, रोटी चावल से सबसे चलेगा। फिर मैं कढ़ाई में जीरा दे दिया थोड़ा सा। फिर इसके बाद जो मसाला मैंने पीसा था वो सब दे देंगे। इसको ज़्यादातर अभी पकाना नहीं है, तो इसके बाद इसको हिलाते रहेंगे। फिर इसके बाद नमक दे देंगे टेस्ट अनुजाई। फिर कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, आप लोग जैसे तीखा खाएंगे वैसे ही अनुजाई आप दीजिए। फिर हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, फिर धनिया पाउडर, फिर जीरा पाउडर आधा चम्मच करके, फिर इसको अच्छा से पकाते रहेंगे। तो पकाते पकाते इसके बाद मैंने कश्मीरी मिर्ची पाउडर थोड़ा सा दे दिया इसका रंग होने के लिए। ये तो तीखा नहीं होता है, तो रंग इसका कलर अच्छा है तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। फिर इसको और पकाते रहेंगे जब तक ये पानी ना सूख जाए। तो इसके बाद मैंने गर्म पानी करके रखा है, इसमें डाल देंगे। लगभग मेरा हो गया, तो अभी मैं पानी डाल दिया। तो पानी डालने के बाद जितना आपको पानी चाहिए वैसे ही दीजिए। तो फिर ये उबलेंगे, तब मैंने जो आलू फ्राई करके रखा इसमें डालेंगे। तो फिर इसको अच्छा से हिलाते रखना है, नहीं तो इस नीचे लग जाता है। और ये आलू है ना, जब आप सब्जी खाएंगे थोड़ा क्रंची क्रंची मुँह में आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। चम्मच कसूरी मेथी दे दिया। फिर इसको हिलाते रहेंगे और टेस्टी आएगा वो मैं दूंगा। तो मैंने प्याज धो के बारीक बारीक काट के रखा और हरी मिर्ची डाल दिया। तो ये ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये जब खाएंगे तो ये आलू क्रंची और प्याज भी थोड़ा कच्चापन आएंगे, तो ये बहुत टेस्टी होता। आप लोग एक बार घर में बना के फिर मुझे कमेंट कीजिए, और जिसको भी खिलाएंगे तो ये भी बोलेंगे बहुत टेस्टी बना ये आलू का सब्जी। ये आलू का सब्जी बन गया, तो मैं ये सर्व करने के लिए रख दिया। तो कैसे हुआ कलर और कैसे बना कमेंट करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।